सोहर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके सब नंबर वन यूट्यूब चैनल सार्थक स्ट्रीम में, जहां आपको दोस्तों वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड एंड दोस्तों नई नई जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों जिसने भी काम करवाना हो फटाफट से रेडी हो जाएं, क्योंकि सिंगापुर का बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों हम लेकर आपके सामने आए हैं। तो दोस्तों सिंगापुर का ये जो काम है, ये है वर्क परमिट। काफ़ी टाइम से दोस्तों काफ़ी सारी हमारी थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स की हमारी क्वेरी आ रही थी कि सर सिंगापुर के लिए कोई काम बताइए, सिंगापुर जाना है और जाकर वहाँ पर काम करना है, किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सिंगापुर में आपको पता ही है कि यूरोप से भी अच्छी सैलरी देते हैं, ठीक है। अगर आप एक यूरोपियन कंट्री की कंपैरिजन में उसको सिंगापुर को रखेंगे तो सिंगापुर में दोस्तों पैसा ज़्यादा कमा सकता है इंसान, ठीक है। और ये एक हकीकत है, क्योंकि सिंगापुर की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे दोस्तों हर कोई काम करता है, छोटा सा कंट्री है लेकिन काम की कोई कमी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर अगर मान के चलिए हम यूरोप के किसी कंट्री में चले जाते हैं या हम सिंगापुर में जाते हैं तो कौन सा बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों देखिए, यूरोप का तो एक नाम है, ठीक है, नाम चलता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको पैसा कमाने के नज़रिए से देखना है, पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि सिर्फ अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं अच्छी लाइफस्टाइल जीना, कुछ लोग चाहते हैं, किसी का दिमाग सिर्फ पैसे के अंदर ही घुसा होता है। तो अगर आपका दिमाग भी है कि भाई पैसा ही कमाना है जाके और चीज़ों के नहीं सोचना है, तो भाई फिर आपके लिए सिंगापुर सबसे बड़ी ऑप्शन है, ठीक है, और किसी जगह के लिए आप भूल जाइए। तो सिंगापुर के लिए दोस्तों आज जो हम ऑप्शन लेके आए हैं, जो वर्क परमिट है 2 साल का, जो नई नई प्रोफाइल्स आई हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रोफाइल्स आई हैं, आपको वन बाय वन मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कॉन्टैक्ट करने के लिए तरीका। कॉन्टैक्ट करने के लिए दोस्तों मेंबरशिप चार्ज पे कीजिए, हाईली सीरियस और जेन्युइन कैंडिडेट ही हैं, केवल और केवल वही बात करें, ठीक है। उन्हीं का काम करवाना हम पसंद करते हैं, उन्हीं से बात करना हम पसंद करते हैं। साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा, वर्ल्ड वाइड आप किसी भी नेशनलिटी के पर्सन हैं, आप कहीं भी बैठे हैं किसी भी कंट्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है जी। वर्ल्ड वाइड काम होता है, बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसने भी अप्लाई करना हो जल्द से जल्द तैयार हो जाए। सबसे पहले दोस्तों नंबर वन पे है इसमें सुपरवाइज़र की। सुपरवाइज़र का दोस्तों जो काम है बहुत ही बढ़िया काम है, ठीक है जी। SDG यानी कि सिंगापुरियन डॉलर में आपको सैलरी मिलेगी। सिंगापुरियन डॉलर को आप अपनी होम कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। काफ़ी अच्छा रेट चल रहा है सिंगापुर डॉलर का आज की डेट में, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रेंड में बताना चाहूँगा, जो दूसरे नंबर की जो रिक्वायरमेंट है वो आई है दोस्तों वेयर हाउस वर्कर की। तो वेयर हाउस वर्कर का दोस्तों काम है बहुत ही बढ़िया काम होता है, ये भी हैवी वर्क नहीं होता, लाइट वर्क होता है। जैसे कि काफ़ी लोग हैवी वर्क नहीं कर पाते हैं किसी फिजिकल दिक्कत की वजह से, तो ये लाइट वर्क होता है, ईजी वर्क होता है, तो कोई भी परेशानी आपको होने नहीं वाली है, ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों जो तीसरे नंबर का काम आया हुआ है, वो आया हुआ है होटल एंड रेस्टोरेंट में वेटर का प्लस ऑर्डर टेकिंग का। ये दोनों काम भी दोस्तों काफ़ी अच्छे होते हैं। इन दोनों काम में बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको दोस्तों इसमें ओवर टाइम की फैसिलिटी भी मिल जाती है, और साथ में दोस्तों क्या होता है कि आपको टिप भी मिलती है इसमें। जैसे आप वेटर का काम करेंगे तो आपको टिप भी अच्छी खासी मिल जाती है, और टिप भी भाई सिंगापुर में कोई कम नहीं देते हैं, बहुत अच्छी खासी टिप भी आपको मिल जाती है। तो साथ साथ दोस्तों इसमें देखिए बहुत बढ़िया कंट्री है, और सैलरी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सैलरी के लिए लोग आते हैं। तो दोस्तों इसमें सैलरी पैकेज जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा तकरीबन मान के चलिएगा दोस्तों 1800 सिंगापुर डॉलर से लेके, ठीक है, 2500 सिंगापुर डॉलर तक, ये आपकी सैलरी पैकेज रहेगा। इसके बाद दोस्तों ये इंक्रीज भी होता है, साल दर साल इंक्रीज होगा। जैसे 2 साल का है तो हर साल इसमें इंक्रीमेंट भी होती है, प्लस में ये एक्सटेंडेबल भी होता है दोस्तों। अब काफ़ी सारे सवाल हमें थाउजेंड्स ऑफ आते हैं कि सर वर्क परमिट सिंगापुर का एक्सटेंड पॉसिबल है होना कि नहीं होना। तो दोस्तों इसका मैं आपको क्लैरिटी से जवाब दे रहा हूँ इसी वीडियो में। देखिए जी, क्या होता है कि जब भी आप सिंगापुर छोड़ दीजिए, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं वर्क परमिट के ऊपर, ये मैं आपको एक सिंगापुर के लिए नहीं, ये आपको मैं बाकी कंट्रीज़ के लिए भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कंट्री में वर्क परमिट पे जाते हैं, किसी कंपनी में आपका सिलेक्शन होता है, वहाँ आपका काम शुरू होता है, तो दोस्तों ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब ये कंपनी और जो होता है कैंडिडेट, उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, किस तरीके से कैंडिडेट ने काम किया है, कंपनी को का कैंडिडेट का काम अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, अपनी ड्यूरेशन तक तो वो काम आपसे करवाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जब बढ़ाने की बात आती है दोस्तों, तो वो डिपेंड करता है टोटली कंपनी और कैंडिडेट की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है। अगर तो आपका वहाँ पर सही लिंक है, अगर आपका वहाँ पर दोस्तों अगर आपका काम अच्छा है, तो कंपनी के जो सीनियर टीम होती है वो आपका ऑटोमेटिकली ही वर्क परमिट को एक्सटेंड कर देगी साल दर साल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको वहाँ जाके अच्छा काम करना है, ईमानदारी से काम करना है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, चीटिंग नहीं करनी है। ईमानदार रहेंगे तो आपका ऊपर वाला भी साथ देगा, बेईमानों का दोस्तों कुछ नहीं हो सकता भर्ती पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो ईमानदार आपको रहना है,
तो उसके बाद आपका जो काम होगा दोस्तों अच्छा ही होता जाएगा। इस चीज़ का आप मेरे जो वर्ड है इसको समझिए और दोस्तों ये आपके ही काम आएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो वर्क है इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइमिंग भी रहेगा सब कुछ आपका प्रोसेस का। तो दोस्तों काफ़ी लोग प्रोसेस टाइम भी पूछने आते हैं, तो देखिए दोस्तों प्रोसेस टाइम के लिए इसमें मैं बता दूं आपको तकरीबन 30 से लेकर 45 दिन का समय इसमें लगेगा, जो कि बहुत ही फास्ट है। ठीक है, यूजुअली जो प्रीवियस वीज़ाज आए हैं दोस्तों लोगों के वो अप्रॉक्सीमेटली 28 दिन के आसपास आ गए हैं, 25 से 28 दिन में, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे के चल रहा हूँ ताकि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मान के चलिए एम्बेसी में अगर थोड़ा रश हो गया, टाइम लग गया, तो उस तरीके में दोस्तों हमारे को कोई बात सुनना किसी की पसंद नहीं है, तो इसलिए हम क्लियर करके चलते हैं। ठीक है जी, तो आप मान के चलिएगा 30 से 45 दिन का मतलब 1.5 महीने के आसपास लमसम आप टाइम लगा के चलिएगा इसमें, जो कि बहुत ही फास्ट है। अगेन काम आपका हो जाएगा और इसमें रिजेक्शन का चांस भी दोस्तों ना के बराबर होता है। अभी तक तो किसी भी फाइल में रिजेक्ट हुआ नहीं है। ठीक है, तो रिजेक्शन के लिए भी आपको धक्के खाने की या ऐसे कोई रिजेक्शन के लिए डरने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही रेयर चांस है किसी का रिजेक्ट वीज़ा हुआ हो। ठीक है, लेकिन हमारे थ्रू तो अभी तक नहीं हुआ है। इसमें दोस्तों जो कंपनी ने हमें काम बताया है बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ठीक है, और सिंगापुर के लिए खासकर दोस्तों हर महीने कई लोगों को यानी कि कई बैचेस को भेजती है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपको मिल रहा है, धक्के खाने की आपको इधर उधर कहीं ज़रूरत नहीं है, वन शॉट सॉल्यूशन है। आप हमसे कांटेक्ट करिए। ठीक है जी, मेंबरशिप चार्ज जैसे ही आप पे करें तुरंत हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट की क्या क्या आवश्यकता है मैं बता दूं। अगर दोस्तों आपको कोई भी आपने काम किया है प्रीवियस में तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं। अगर आपको इन प्रोफाइल से रिलेटेड कोई काम आपने किया है तो आप उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, फ्रेशर भी हैं, तब भी आप कंसीडर किए जा सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार अपना रिज्यूम हमें सेंड करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किसी के पास रिज्यूम भी नहीं है तो दोस्तों रिज्यूम नहीं है तो आप रिज्यूम भी हमारी टीम से बनवा सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल से खर्चे में आपको बढ़िया ए क्लास रिज्यूम भी तैयार करके दे दिया जाएगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको ही काम आएगा। ठीक है जी, तो ये भी आपको एक फैसिलिटी हमारी टीम की थोड़ा ये बिल्कुल नॉमिनल से कॉस्ट में प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसका जो टाइमिंग रहेगा आपका प्रोसेस का बहुत फास्ट है। ठीक है, फटाफट आप सिंगापुर में जाके काम शुरू कर सकते हैं। 6-6, 8-8 महीने आपको लटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जैसे बाकी कंट्रीज़ के लिए आप लटकते रहते हैं। ठीक है जी, और भी दोस्तों काफ़ी सारी कंट्रीज़ की अपॉर्चुनिटी हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो आप इस वीडियो को पूरी देखने के बाद उन वीडियोज़ को भी जाकर ज़रूर चेकआउट करें, जैसे माल्टा की, ठीक है दोस्तों, पोलैंड की, इसके साथ साथ दोस्तों पुर्तगाल और साथ में चेक रिपब्लिक की डायरेक्ट रीच का ऑप्शन भी आया हुआ है दोस्तों। तो उन वीडियोस को जाके भी ज़रूर चेकआउट करें और उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ ज़रूर उठाएं अगर दोस्तों आप इच्छुक हैं तो। ठीक है जी, और दोस्तों इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी बात आपने पूछनी है तो कमेंट करके बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बाकी जिसने काम करवाना है जनरली वो तो भाई सीधा कॉन्टैक्ट करेगा तो ही उनका काम आगे शुरू हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।